तो लास्ट क्लास में बग के कारण हमारी क्लास मिस हो गई थी, कोई बात नहीं। यहाँ पे कहा जा रहा है हमसे कि एक कोन है। क्वेश्चन क्या था मैं फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूँ कि एक स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ एल। तो मान लो ये स्ट्रिंग है अपनी, ये रेड वाली जो है ये स्ट्रिंग है अपनी, इसकी लेंथ क्या है वो एल है। वो कहा जा रहा है कि एक एंड पे फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड हो गई, और दूसरे एंड पे मास एम है। तो ये हो गया अपना मास, एम मास का कुछ ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको रिवॉल्यूशन किया जा रहा है 2/π रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ये रिवॉल्यूट कितने से कर रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, आ रहा है। तो ये जो है 2/π मीटर पर सेकेंड से दे रखा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है। कहा जा रहा है थ्रू फिक्स एंड एज शोन। टेंशन क्या होगा, टेंशन क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे जो टेंशन होगा ये क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इसका रेडियस देखना चाहिए, बट रेडियस की उतनी बड़ी बात नहीं क्योंकि टेंशन का हमने क्या अभी फॉर्मूला देखा, टेंशन में रेडियस का यूज़ नहीं है। एम ओमेगा स्क्वायर एल आता है फॉर्मूला इसका। तो ये बताओ टेंशन इज इक्वल्स टू मास एम था, लेंथ एल था, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा ये बताओ। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखो, सबसे पहले तो 2/π रिवॉल्यूशन बना रहा है, तो एक रिवॉल्यूशन में 2π एंगल होता है, तो 2/π रिवॉल्यूशन में कितना एंगल होगा। तो 1 रिवॉल्यूशन लीड्स टू 2π एंगल, 2π रेडियन, देन 2/π रिवॉल्यूशन लीड्स टू 2/π इंटू 2/π कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल, 4 रेडियन बना रहा है। तो m इंटू एल इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो टेंशन इज इक्वल टू 16 mL आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 mL इसका ये आंसर आ गया है। ठीक है, और ऐसे ही काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे बेसिकली, तो उसमें करने की बात नहीं है, हम ऐसे इसी लॉ पे कर देंगे। जैसे कि एक और क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, द पार्टिकल मूव इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस आर, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड टेंशन इन दीज स्ट्रिंग। बेसिकली क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास एम है, वो सस्पेंड किया जा रहा है एक सीलिंग से। तो सबसे पहले हम एक कोन बना देंगे क्योंकि ये कोनिकल पे बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें कोन का ही मेन यूज़ होगा, तो हम बना देते हैं पहले ही कोन। ठीक है, थोड़ा इसे मैं सेलेक्ट करके थोड़ा आगे पीछे कर दूं तो ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, ये हमने कोन बना दिया, बहुत शानदार कोन बना है भाई, बहुत शानदार। कहा जा रहा है कि मास एम है वो सस्पेंड हो रहा है फ्रॉम अ सीलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। ये जो लेंथ दे रखी है ये एल है, मास जो है वो इसका एम है। ठीक है, द पार्टिकल मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस आर। अब यहाँ पर ये देखो, ये जो है ये रेडियस, ये जो है ये डिस्टेंस, रेड वाला डिस्टेंस जो है ये अपना रेडियस है जो कि है अपना आर। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड टेंशन इन दीज स्ट्रिंग। हमें ये करना है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ये हम बनाते हैं। तो भाई टेंशन ये लगा ऊपर, इसका कंपोनेंट ऊपर, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, तो ये हो जाएगा टी का कॉस थीटा, क्योंकि ये भी एंगल हो जाएगा थीटा, ये भी हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा अपना टी का साइन थीटा। ये बताओ ये नीचे आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा एम जी, ये साइड में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम ओमेगा स्क्वायर आर आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं।
अब हम क्या करते हैं, हमें टेंशन सबसे पहले निकालना है, तो हम टेंशन निकालने का प्रयास करते हैं ऐसे कुछ। देखिए ये हो जाएगा अपना टेंशन कुछ ऐसे। तो ये बताओ, ऊपर का टी कॉस थीटा नीचे के एम जी को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि ऊपर नीचे का तो कोई मूवमेंट दे नहीं रखा है, और दे नहीं रखा है तो हम उसको नहीं मानेंगे, मूवमेंट नहीं हो रहा है यही मानेंगे। तो एम जी इज इक्वल्स टू टी कॉस थीटा आ जाएगा, देयरफॉर टेंशन क्या आ जाएगा, एम जी अपॉन कॉस थीटा। अब ये पूरा नहीं है, हमें फाइंड करना है इन एल एंड आर के वर्ड फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हमारा ये आ गया है, बस इतना याद रख रहा हूँ कि हाँ ये सही है। अब इसको हम कोई यूज़ नहीं है, बट हम इसका भी यूज़ ले लेते हैं, ठीक है, इसका भी यूज़ ले लेते हैं। ये बताओ इसी को क्या मैं इसको मैं क्या मैं एम अल्फ़ा लिखता था, और इसी को क्या मैं एम वी स्क्वायर बाई आर लिखूँगा। हाँ लिखूँगा, ठीक है, बहुत सही बात है। तो ये बताओ टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर लिखूँगा क्या? बिल्कुल लिखूँगा। तो ये बताओ पहले टेंशन टी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाई आर। तो ये बताओ एम जी टैन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर आएगा क्या? एम से एम कैंसिल हो गया, हाँ। तो टैन थीटा आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर आ गया, क्या ये आया? बिल्कुल आ गया। ये बताओ v इज इक्वल्स टू रूट टैन थीटा आर आ गया क्या? इसको r कैपिटल मानो चाहे स्मॉल मान लो, रेडियस है बेसिकली यार, ये आ गया। बहुत सही, हमने ये ला दिया r के फॉर्म में, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये हमने ला दिया बिना पहले टेंशन निकाल के। अब हम लाते हैं इसको, टेंशन को हमें cos थीटा के फॉर्म में नहीं एल और जी के फॉर्म में लाना है। तो ये बताओ यहाँ पे अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूँ कुछ ऐसा, ये लेंथ आर है, ये लेंथ आर है, ये लेंथ एल है, ये आर ये एल हो गया। तो ये बताओ यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो कॉस थीटा ये बाई ये होगा क्या? तो यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू ये, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू रूट के अंदर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा पाइथागोरस से। तो ये बताओ रूट के अंदर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो टेंशन इज इक्वल्स टू एम जी अपॉन रूट के अंदर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में एल आएगा, तो टेंशन इज इक्वल्स टू एम जी एल अपॉन रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या इसमें किसी को डाउट नहीं ना है? क्यों होगा सर, कैसे होगा भाई, ठीक है। तो ये सब डाउट होना नहीं चाहिए, बिकॉज दीज आर वेरी सिली क्वेश्चंस ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के सिली क्वेश्चंस थे। तो बेसिकली हमने ये सब पढ़ लिया है, अब हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे टर्निंग ऑफ व्हीकल एट सिंपल लोड एंड एट अ बैंक।